बताए। और रोल्स, ये एक और ऐसी कंपनी है जिसको टाटा उद्योग के नाम से भी जाना जाता था पहले, इसके ऊपर भी आज हम बोलिश हैं। कल टाटा मोटर में दो दिन से तेजी हुई, टाटा TCS में तेजी हुई, और आज बाकी की टाटा ग्रुप की कंपनियां भी इस तेजी में पार्टिसिपेट करेंगी। TRF मैंने लिया है फ्रीड के तौर पर, तो हमें लगता है इसमें डेफिनेटली खरीदारी करके चला कि वैसे भी तो सर्किट वाला कैंडिडेट है, ओपनिंग में ही अच्छी तेजी दिखाएगा। 135-140 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। 11% ऊपर, ये 20% वाला सर्किट वाला वैसे तो शेयर है। टायर रोल्स बिल्कुल खरीदारी का कैंडिडेट है, और आप देखिए 20% का प्रॉफिट अभी आप कमा रहे होंगे। TRF लिमिटेड जोरदार कमाई करते हुए आपको दे रहा है। और कल देखिए हमने आपसे सुबह सुबह कहा था कि टाटा ग्रुप की कंपनियों के ऊपर रखिएगा नजर, और देखिए दोनों ही टीम्स ने किस तरह का बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। और आज हमें लगता है कि ऑफशोर कंपनियों का दिन है। आप सभी का स्वागत है स्टॉक 2020 में। नीरज और मेरे बीच ये मुकाबला होने वाला है। जल्दी से देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। नीरज बताइए क्या एक्शन देखने को मिला है अमरीका में कल? देखिए अमरीका से बहुत अच्छे आए, मतलब ये मार्केट इस समय हाईस पे चल रहे हैं वहाँ पे दुनिया भर के मार्केट अगर आप देखेंगे तो, खासतौर पर अमरीकी बाजार फिर से नई हाईस की तरफ बढ़े हैं। और उसकी कारण ये है कि जो हम लोग रोज बात करते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापार वार्ता चल रही है उसमें बहुत पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और दो इश्यूज थे जिस पे लगभग समझौता बन रहा है कि जो चीन कमोडिटीज खरीदेगा और दूसरा जो अमेरिकी कंपनियों की ओनरशिप का इशू था वो सॉल्व होगा। केवल एक IPR पे फाइनल बातचीत होनी है, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका 2025 तक का समय देगा चीन को कि अपने सारे कमिटमेंट्स आप पूरे करिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है ये कि 2025 तक का समय चीन को दिया जाएगा, जो वो चाहता भी था कि फेजेस में हम इसको कंप्लीट करें। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, और बहुत जल्द हमको लगता है रिपोर्ट्स पढ़ के कि ये संभावना है कि हफ्ते 10 दिन में या अगले हफ्ते की शुरुआत में ही आपको ये डील में साइन होते हुए दिखें। दोनों देशों के जो हेड्स हैं वो मिलके साइन करेंगे, तो इसीलिए बहुत अच्छी तेज़ी बन रही है। और क्रूड जो ठंडा नहीं हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि अगर ये डील साइन हो जाती है तो क्रूड में मजबूती बने, क्योंकि चीन की तरफ से ज़बरदस्त डिमांड पहले से है और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, इसीलिए क्रूड ठंडा नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भले ही क्रूड थोड़ा सा ऊपर है लेकिन दुनिया भर के बाजारों के लिए ग्रोथ को बढ़ाने में ये दिख रहा है संकेत के तौर पर। तो बहुत पॉजिटिव संकेत आज ग्लोबल मार्केट के हैं, और घरेलू बाजार पर तो आज शक्ति तांता दास की तरफ नजर है सब। बिल्कुल, और क्या वो शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं? 25 तो डिस्काउंट कर दिया बाजार ने, क्या 50 आता है? और 50 के बाद बाजार में निराशा होती है या फिर तेजी होती है? जी, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आपको आके मुनाफे की तैयारी में और पहला सौदा में देने वाले हैं। लेकिन आप देखिए कच्चा तेल जिसकी बात नीरज कर रहे हैं, इस पर मेरी निगाहें टिकी हुई हैं, और जब ये समझौता जल्द होने की बातचीत हो रही है, और आप देखिए 5 दिनों से S&P 500 ने दरअसल हरे निशान के साथ जाकर समाप्ति दी, और ब्रेंट क्रूड देखिए 70 के आसपास खड़ा हुआ है। कल मैं देख रहा था 69.90 के आसपास ये इंट्राडे में गया था। और ब्रेंट क्रूड अगर बढ़ेगा तो हमारी ऑफशोर कंपनियों के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिहाज से खबर मानी जाएगी। और आज अगर किसी एक सेक्टर पर मैं सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ तो वो ऑफशोर कंपनियाँ हैं। देखिए ड्यूक ऑफशोर को अपने डार पर ज़रूर रखिएगा। और आप देखिए ओपेक ने जिस तरह से अपने आउटपुट को कट किया, जिस तरह से ईरान के ऊपर सेंक्शंस लगाए गए, इस सब के चलते जो कच्चा तेल है वो अब गिर नहीं रहा है। कल का बाज़ार देखिए, बाज़ार भांप रहा था इस बात को कि कच्चा तेल बढ़ रहा है, और इसीलिए देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सबसे ख़राब प्रदर्शन दिखा रही थी। और कल सुबह सुबह हम पहला सौदा में कह रहे थे कि अगर कोई एक सेक्टर आपको बेचना है तो वो OMCs हो सकती हैं। दिन के निचले स्तर पर ज़्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जाकर समाप्ति दी, और आज हमें लगता है कि ऑफशोर कंपनियों में रौनक देखने को मिलेगी। जैसा नीरज आपको बता रहे हैं कि अब ये दोस्ती हो जाएगी तो फिर बढ़िया रैली बनेगी कच्चे तेल में। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ख़राब खबर मानी जाएगी, लेकिन आप देखिए ऑफशोर कंपनियों में ये होप होगी कि ज़्यादा का ज़्यादा ऑर्डर्स इनके हाथ लगें, और इसीलिए हमें लगता है ट्रेडर्स को छोटी टिकट साइज़ के स्टॉक्स के ऊपर आज बैट करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी भी है आज 11:45 पर। तो 24 रुपये तक के टारगेट्स ड्यूक ऑफशोर के में देखने को मिल सकते हैं, सर्किट का कैंडिडेट है ये। डॉल्फिन ऑफशोर में भी देखिए, जब हमने पिछली बार भी इसको सजेस्ट किया था तो भी 20% के आसपास के सर्किट पर ये स्टॉक पहुंच गया था, आज भी वैसा ही हमें दिन लगता है। तो डी अक्षर के ऊपर फोकस है, कच्चे तेल के ऊपर फोकस है, बताइए आपके ऊपर? मेरा फोकस शुरुआत में जे अक्षर की ओर, जो कल भी था, और वो जेट एयरवेज है। कल भी हमने कहा था बेच के चलिए, 4-5% के इंट्राडे में आपने गेन क्या क्लोजिंग बेसिस पे हासिल किए, और आज भी हमें लगता है बेच के चलिए। बहुत महत्वपूर्ण एक बैठक आज होनी है बैंकर्स की, लेंडर्स की, जो उनके कि इस पे जो पैसे डालने हैं
वो कैसे डाले जाएँ 1500 करोड़। लेकिन इस बीच अब आप देखिए केवल 28 विमान इनके एक्टिव हैं, और अगर ये संख्या 20 तक पहुंच जाती है तो इनकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि रेगुलेशन ये कहता है कि 20 से कम में आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं उड़ा सकते हैं। अब समस्या ये है कि पैसे कौन देगा, कैसे देगा, इस पर सिर्फ विचार होना है। मार्च की सैलरी एक बार फिर डिले कर दी गई, ये सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो अगर सॉल्व नहीं होते और आज कुछ बहुत पॉजिटिव आउटकम नहीं आता है तो इस स्टॉक की दोबारा से पिटाई होगी, और कच्चे तेल ने जो बढ़त बना रखी है उसका असर इसके ऊपर ज़रूर पड़ता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है जेट आज भी आपके पास मौके हैं, लेकिन उस खबर पर ज़रूर ध्यान रखिएगा और आवाज़ देखते रहिएगा। हम आपको लाइव अपडेट देंगे कि उस बैठक में क्या हुआ, उसके हिसाब से ट्रेड बनेगा। लेकिन शॉर्ट ट्रेड बनने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये इश्यूज़ इतने आसान नहीं है कि आज ही RTGS हो जाएगा 1500 करोड़ का, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अब बिल्कुल आएगा ही, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस कदर से ये खबरें चल रही हैं इसको हिंदी में तो रायता फैल गया है कि कौन पैसे देगा पता ही नहीं है, केवल विचार चल रहा है। चलिए आगे बताइए, क्योंकि मेरे अगले स्टॉक जो है एक ही थीम पे है। ऑयल कंट्री ट्यूबलर, जिंदल ड्रिलिंग, इन स्टॉक्स के ऊपर भी रखिएगा नज़र। डॉल्फिन ऑफशोर और ड्यूक ऑफशोर के बाद अब ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। कच्चे तेल में तेजी को हम प्ले कर रहे हैं, छोटी टिकट साइज़ के शेयर ज़्यादा बेहतर रहेंगे आज के दिन, क्योंकि पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि 11:45 पे आज सुबह सुबह आपको देखने को मिलेगी। और हमें लगता है कि ये वो पॉकेट है जो भागेगा। वैसे भी आप देखिए इस ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करिए जो पॉलिसी से आज प्रभावित नहीं हो, पर हमने आज दरअसल वही ढूंढने की कोशिश करी है। उसका कारण है, देखिए पॉलिसी में क्या निकल कर आए आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट बाजार ने फैक्टर इन कर लिया है, 25 आएगा तो अच्छी बात नहीं है, 50 आएगा तो कुछ लोग कहते हैं कि कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कत की बात तो नहीं है, 50 क्यों दे रहे हैं। तो देखिए हर चीज़ पर सवाल उठते हैं, लेकिन 50 अगर आता है तो एक बार एक रैली छोटी सी देखने को ज़रूर मिलनी चाहिए बाज़ार में। तो ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करिए जिसका पॉलिसी से लेना देना नहीं है और मैक्रो एनवायरनमेंट से लेना देना है आज के दिन। और मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कच्चा तेल, कच्चा तेल बढ़ेगा तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आज भागेंगे। इसीलिए दरअसल हमने इस थीम को आज पकड़ा है। ऑयल कंट्री में 16 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं, ये भी सर्किट पे जाने का दमखम रखता है दरअसल। चलिए, मैंने रियल एस्टेट की थीम ली है और ये रिस्क लेते हुए कि क्रेडिट पॉलिसी में क्या आएगा, मुझे लगता है कि कमेंट्री बहुत शानदार होगी और जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसके लिए कुछ अलग से भी बातचीत कही जा सकती है। तो रेट कट का इंतजार तो रहेगा ही, और ये तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आपको ट्रेड करना है। अंसल हाउसिंग और अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों छोटी छोटी कंपनियां हैं, ट्रेडर्स के पिक्स होते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग के बड़े अच्छे मौके मिलते हैं, खरीद करके चलिए। दूसरा, फंडामेंटली आप देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में क्या ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखिए आपने दो दिन से लगातार चला, और फिर कल खबर आएगी बॉम्बे में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं इस उत्साह में कि लगातार इनको बुकिंग्स मिल रही हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। अंसल हाउसिंग में लक्ष्य 14 रुपये का होगा, अंसल प्रॉपर्टीज़ में लक्ष्य 12.5 का होगा। नज़र रखिएगा सेलान एक्सप्लोरेशन जैसे शेयरों पर भी, ये भी एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी के लिए जाने जाती हैं कंपनियां, जैसे कि इनका नाम भी आपको बता रहा है। इस तरह के स्टॉक्स में रैली बनेगी और थीम वही है कच्चा तेल। और आज दरअसल पूरे के पूरा जो पहले 5-6 स्टॉक्स हैं वो हमने उसी थीम से चुने हैं, तो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनियों में एक रैली आज के सत्र में बन सकती है। दिन के दौरान अगर कभी भी देखिए कच्चा तेल 70 के आसपास पहुंचता है या फिर होप ये बनती है कि ये और आगे जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 80 पे भी जा सकता है, यू नेवर नो, पहले भी जा चुका है। हालांकि ट्रंप साहब बीच बीच में बयान दे के इसको ठंडा कर देते हैं, लेकिन देखिए अब ये बढ़ रहा है और इसको चीन और US की सहमति जैसे जैसे करीब आएगी वैसे वैसे यहाँ पर तेज़ी के ट्रेड्स लोग ज़्यादा लेना शुरू करेंगे। तो उसको अगर आपको भारत में प्ले करना है तो फिर आपको इंश्योरों से प्ले करना चाहिए 195 के टारगेट्स के साथ। सेलान को आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। रियल एस्टेट की थीम को आगे बढ़ाएंगे, कार्डा कंस्ट्रक्शंस और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस दो और मास हाउसिंग के अफोर्डेबल हाउसिंग के स्टॉक्स हैं यहाँ पर, नज़र रखते चलिए, क्योंकि हमको तो ये मान के चल रहे हैं कि इस सेक्टर के लिए अच्छी खबरें आज आएंगी क्रेडिट पॉलिसी में, और इसीलिए इनमें अच्छी खासी तेज़ी बनेगी। खासतौर पर आप देखिए जो मास हाउसिंग है उसको लेकर के न सिर्फ सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, RBI ने भी कट किया था, लिक्विडिटी ईज हो गई है, यानी NBFCs में अब पैसे आने लगे हैं। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा, ब्रिगेड के लिए 260 का लक्ष्य, कार्डा के लिए 200 का लक्ष्य, और अब बारी है डिपेंडेबल शेयर की।
और डिपेंडेबल का दर्जा हम अल्फा जियो को दे रहे हैं। ये भी कंपनी दरअसल बिलिंग ऑफशोर सेवाएं देने के कामकाज में और बढ़िया कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रही है। बाकी के ऑफशोर शेयर देखिए दो दो डिजिट के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन ये एक फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। मुझे याद है कि एक समय ये भी था जब इस पर रमेश धवानी साहब काफ़ी बुलिश थे। मुझे अभी हाल में पता नहीं उनके पास शेयर हैं या नहीं है, लेकिन ये कंपनी फंडामेंटल्स के लिहाज से इस पूरे सेक्टर में बढ़िया है, इसलिए हमने इसको डिपेंडेबल का दर्जा भी दिया है। 515 रुपये तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। सरकारी कंपनी MMTC को डिपेंडेबल दर्जा दिया है, क्योंकि जब हेमंत ने एक थीम पकड़ी है कि रेट इंश्योरेंस से बिल्कुल अलग वाले शेयर, तो मुझे लगता है सरकारी कंपनियों पे भी फोकस करना चाहिए। यहाँ पे बढ़िया तेजी बनती है। आपकी टीम में नहीं होते तो मेरी टीम में होते, मैंने प्रीएम्प्ट कर लिया था आज ये। तो ये ध्यान रखिएगा कि सरकारी कंपनियों में सरकार की तरफ से लगातार जो पुश है और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं उसके मद्देनज़र इसको हमने रखा है यहाँ पे। बातचीत ये भी चल रही है कि इसकी एक जोड़ीदार कंपनी है उसके साथ मर्जर भी हो सकता है, तो वो स्टॉक भी आगे बताऊँगा आपको मैं, लेकिन इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए सरकारी। अच्छा एक गाना मुझे याद आ रहा है, देश नहीं झुकने दूंगा मार्केट नहीं गिरने दूंगा, मुझे नहीं पता है किससे रिलेटेड है, वो भी थीम चल रही है। MMTC में खरीद के चलिए 33 रुपये के लक्ष्य के साथ। ऑलराइट चलिए, तो इस पर रहेगी सबकी नज़र। फ्री हिट शेयर, पिंचिटा शेयर आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। जो आप गाना बता रहे हैं ना, मूवी आ रही है तैयारी उसी में है क्या ये? हाँ उसमें भी थोड़ी बहुत आपको झलकियाँ। मैंने तो लता मंगेशकर का सुना था। अच्छा ओके चलिए ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स बताने के। फ्री हिट के तौर पर हमने लिया है STC। हमने आपसे कहा था कि MMTC STC जोड़ीदार शेयर हैं और जोड़े में चलते हैं, कारोबार लगभग एक जैसा है। कई बार सरकार की तरफ से बयान दिए जा चुके हैं कि दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, इस पर प्रस्ताव भी चल रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए क्योंकि सरकार बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड पर काम कर रही है, फटाफट चीज़ें डेवलप होती हुई दिख रही, तो इसलिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ITI ध्यान रखिएगा इस पर भी नज़र, क्योंकि ये स्टॉक भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एक लंबा कंसोलिडेशन इसने 90 से 100-110 के बीच में काफ़ी समय से निखाया है, और हमें लगता है कि अब नतीजों का इंतजार करना चाहिए, वहाँ से फिर गेम चेंजर होगा। और दूसरा, चूँकि ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक है, तो इसमें सभी राजनीतिक दल बहुत ध्यान रखते हैं इसका, तो यहाँ पे इस वजह से भी मुझे लगता है अच्छी तेज़ी बनेगी। तो ITI में भी आज खरीदारी करके चलना चाहिए, 110 रुपये का लक्ष्य होगा। जो आपने बोला ना MMTC STC के मर्जर वाली बात, सरकार लौट कर आएगी तो ये सब होगा। और आप याद करिए PFC REC पर लोग बुलिश नहीं थे मर्जर के बाद, दोनों शेयरों ने लाइफ टाइम हाई लगाया। एक ही तरह कारोबार के लिए दो कंपनी क्यों, बैंक दोनों मर्जर इसीलिए किया जा रहा है। एग्जैक्टली, तो इसके ऊपर रहेगी नजर। मुझे मेरा कैप्टन चॉइस बाय द वे मिल चुका है, लेकिन मेरा फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक है जिंदल सौ और महाराष्ट्र सीमलेस, और इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। कच्चे तेल में तेजी के चलते हमने पहले ऑफशोर कंपनियों को चुना, और ऑफशोर कंपनियों में तेजी होगी तो फिर पाइप बनाने वाली कंपनियों में भी आज एक राली देखने को मिल सकती है, तो इस पॉकेट के ऊपर भी नजर रखिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के पावर प्लेज और आज का कैप्टन्स चॉइस।